हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? हैप्पी रामनवमी। आज है रामनवमी, नवरात्रि का आखिरी दिन। तो यहाँ पे मैं कन्या खिलाने की तैयारी कर रही हूँ, तो और टुक टुक के यहाँ पैर रंग रही हूँ। इसके बाद मैंने कन्या खिलाया, मुझे बहुत ज़्यादा कन्याएं नहीं मिली थी, मैंने एक ही कन्या खिलाया था, लेकिन एक ही 9 के बराबर मुझे लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से उसने कन्या खाई, बहुत सुकून मिला उसको खिला के, अच्छा भी लग रहा था, छोटी सी थी। और इसके बाद मैं अपनी खुद यहाँ तैयारी कर रही हूँ, मैं भी अपने पैर रंग रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद हवन करना था। मैंने पूरी नवरात्रि नहीं व्रत रखा था, बस फर्स्ट और लास्ट था। यहाँ पे अब मैं हवन कर रही हूँ, दोनों लोग ही हम हवन कर रहे हैं, क्योंकि और पीहू ने खाना खा लिया था, व्रत थी एक दिन पहले, लेकिन उसने खाना खा लिया था, लेट हो गई थी हवन करने में। देवकाली माता जी का दर्शन करने, जो कि सब लोग जा रहे हैं, यहाँ कन्या उन्या खिला दिए, हवन कर चुके, तो जा रहे हैं अभी देवकाली, वहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं देवकाली माता के मंदिर, और पहले अपने आप को पवित्र कर रहे हैं यहाँ जल से, ऐसा सब लोग वहाँ पे कर रहे थे, तो हमने भी कर लिया था। मैं बहुत बार नहीं गई हूँ, मैं अपने शादी में गई थी और फिर अब गई हूँ, और यहाँ मैं मेन गेट पे आ गई हूँ, अंदर जाने वाली गेट है ये, तो इससे मैं जाऊँगी। भीड़ तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, दोपहर का टाइम था, तो मैं यहाँ पे देवकाली माता जी को भगवान राम की कुलदेवी माता माना जाता है, यहाँ पे उनका मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम हुए थे तो उनकी माता कौशल्या जी और सयू माता उनको यहाँ पे दर्शन कराने लाई थी, लेके आई थी दर्शन कराने, तो यहाँ पे तीनों जी सरयू माता का ऊपर मंदिर बना। और यहाँ आप लोग अब लाइव देख सकते हैं, माता जी का दर्शन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जय माता दी, यहाँ पर अभी माता जी दिखेंगी, माँ काली माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता जी यहाँ पे हैं, ये देख लीजिए आप लोग। अब माता जी का हम फेरी लगा रहे हैं, और यहाँ की मान्यता ये है कि अगर किसी की आंख में कोई दिक्कत है तो वो मन्नत करके माता जी का जल जो होता है, जिससे माता जी स्नान करती है, उसको आंख में लगाता है, उसकी आंख की परेशानी दूर हो जाती है, तो वो चांदी की आंख बनवा के माता जी को चढ़ाता है, यही मान्यता है। जय माता दी, दर्शन वर्शन कर चुके हैं माता जी का, और यहाँ पे बैठ गए हैं, बहुत शांति है, बहुत ठंडा लग रहा है, हवा भी आ रही है, और इधर देख सकते हैं आप लोग कन्या खिलाई जा रही है, जो कि बाहर वो अपने घर से ले आते हैं, कन्या यही खिलाते हैं जो मौजूद रहती है। और ये भाभी भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा लगा माता जी के मंदिर में आके, भीड़ तो बहुत है, भीड़ वाली जगह पे हम लोग नहीं बैठे हैं, उधर है बोल रहे हैं पता नहीं वाइस। और यहाँ पे कन्याएं खिलाई जा रही हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।